क्रिसमे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। आपको कैटिसम क्लास की ओर स्वागत। हम अध्याय 7 में क्रिस्तीय जीवन वचन पर आधारित इसके बारे में मनन चिंतन कर रहे थे और वचन किस प्रकार लोगों के जीवन को सौख्य दिलाता है, जीवन दिलाता है। हमने संत अगस्टिन के बारे में सुना, संत फ्रांसिस सेवियर के बारे में सुना और इग्नेशियस लयोला के बारे में सुना। उनके जीवन में किस प्रकार वचन के आधारित वे अपना जीवन को परिवर्तन किए। और संत लोग कहते हैं कि अगर उसको और इसको संत बन सकते हैं तो क्यों मैं नहीं, क्योंकि वचन हम सबको दिया गया है। तो आज हम उसी अध्याय के दूसरे भाग की ओर ध्यान लगाएं। उसके पहले मैं आप लोगों का ध्यान एक वचन पर सुनाना चाहती हूँ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 18 और 19 वचन इस प्रकार कहता है, तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशाने के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो और तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। विधि विवरण ग्रंथ में वचन के बारे में सुंदर रूप से हमें सिखाया है। तो पवित्र वचन पवित्र करने वाला वचन है। पवित्र ग्रंथ या वचन पवित्र करने वाला वचन है, इसीलिए तो विधि विवरण ग्रंथ में हमें सिखाते हैं, सोते समय, उठते समय, जागते समय, चलते समय, बैठते समय अपने छाती पर, अपने माथे पर इस वचन को लिखे रखो, बोलते रहो, गूंजते रहने दो पवित्र वचन। क्यों? क्योंकि वचन पवित्र दिलाते, पवित्र करते, मेक्स अस वर्ड, मेक्स अस होली, पाप और पाप की परिस्थितियों से मुक्त करने के लिए ईश्वर का वचन एक दैव्य औषध के रूप में काम करता है। तो दैनिक जीवन में मनुष्य को अपने ओर खींचने वाले अनेक प्रलोभन है, हमने प्रलोभनों के बारे में सीखा था। तो इन अनेक प्रलोभनों का सामना भी हम वचन की शक्ति द्वारा कर सकते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार मानव रूप होकर आए प्रभु मसीह को शैतान ने परीक्षा ली और उस समय उस प्रलोभनों से दूर हटने के लिए ईसा मसीह पवित्र वचन का उपयोग किया। आप लोग याद होगा, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हरेक शब्द से जीता है। तो इस वचन की शक्ति से ही ईसा ने प्रलोभनों का पराजित किया था, बीमारियों एवं बुराई के बंधनों से भी हमें मुक्त करने की शक्ति कौन दिलाता है? ईश वचन ही दिलाता है। स्तोत्र ग्रंथ में ऐसे कहा है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो प्यारे बच्चों, वचन इतना गहराई रूप से हमारे हृदय, हमारे मन को परिवर्तन दिलाते हैं कि हम पाप करने से भी दूर रह सकते हैं। वचन पर आधारित जीवन बिताना ही शिष्यत्व की पहचान है। एक डिसाइपल होना, परमेश्वर का एक शिष्य बनना वचन पर निर्धारित जीवन बिताने से ही। तो हम लुकस के सुसमाचार में ईसा कहते हैं, मेरी माता और मेरा भाई वही है, मेरी माता, मेरा भाई, बहन वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईसा भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं, उन्हीं लोगों को गौरव करते हैं जो ईश्वर के वचन को पालन करते हैं। इनडायरेक्ट वे से यह वचन ईसा अपने माँ को देखकर कहते हैं, क्योंकि माँ मरियम ईसा के वचन का, परमेश्वर के वचन का हर एक
वचन को पालन करते हुए ही माँ अपना जीवन बिताई थी। तो इसीलिए ईसा कहते हैं कि जो मेरे वचन को सुनते और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते वही है मेरे माता पिता भाई बहन। संत अगस्टिन अपने शब्दों में कहते हैं, तेरी प्रार्थना ईश्वर से कहे गए तेरे शब्द है, जब तू वचन पढ़ता है तो ईश्वर तुमसे बोलता है। जो हम कहते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे वचन है, लेकिन जब हम पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं वह तब ईश्वर हमारे साथ बातें करते हैं। पापा संत पापा बेनेडिक्ट 16 ने युवाओं से एक विशेष अनुरोध किया था, वह इस प्रकार है, बाइबल से निकट संबंध रखने और उसे अपनाने के लिए मैं आपको बाध्य करता हूँ, यह इसलिए कि वह तुम्हें आगे चलने का रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक यंत्र बन जाए। तो हर एक महान व्यक्ति, हर एक संत, हर एक प्रेषित लोग, हर एक विश्वासी जो ईश्वर के वचनों पर चलते हुए हमसे यही कहते हैं कि अपना जीवन पवित्र वचन पर निर्धारित रखो, हम सुरक्षित रहेंगे। वचन पर आधारित जीवन बिताने, तो हम अगर हमें वचन पर आधारित जीवन बिताना है तो किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें वचन को जानना है, पहचानना है क्या है वचन, वचन को हमें सीखना है। हमने अध्याय 6 में बाइबल के बारे में जब हमने कहा तो वचन हमारे लिए दिया गया है, वचन स्वयं ईश्वर है, शब्द स्वयं ईश्वर है, शब्द अनादि में था, अभी भी है, और वही शब्द ईश्वर वचन बनकर हमारे बीच निवास करता है। तो इस वचन को हमें जानना है, सुनना है, समझना है, उसका पालन करना है और उसकी प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताना है। दूसरा, वचन सुनना है, तो वचन पर आधारित जीवन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें वचन को सुनना है। कैसे सुनना है? खुले हृदय से हमें वचन को सुनना है। ईश्वर के लिखित वचनों से आज भी ईश्वर हमारे साथ बातें करते हैं, तो इस ईश्वर के आवाज को हमें सुनना है। तीसरा, वचन का अर्थ समझना है, तो वचन से हमें, वचन हमें क्या बना सकता है, उसके वचन के श्रवण जैसे ही महत्वपूर्ण है, उसके अर्थ को भी हमें समझना है। ईसा ने जब अपने दृष्टांतों की व्याख्यान की तो शिष्य इसके अर्थ पूर्ण रूप से समझ सके। इस तरह वचन के व्याख्यान देने वाले प्रवचन एवं शिक्षा आदि के श्रवण करने से वचन का अर्थ समझने और उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने को हम समर्थ हो जाएंगे। और यह मदद हमें कौन दिलाते हैं? इस वचन को समझने, उसका अर्थ समझने को हमें मदद पवित्र आत्मा दिलाती है। चौथा, वचन का पालन करना है, तो इस वचन को सुनने पर मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। संत मती के सुसमाचार, संत यूसुफ ने भी ईश्वर के दूत द्वारा दिए गए ईश वचन सुना और उसका पालन किया और इस तरह उस परिवार को मुक्ति प्राप्त हुई। जब जकेयुस ईसा के वचन को सुने, उसका पालन करने को तैयार हुआ, तब उसके परिवार में भी मुक्ति का आगमन हुआ। तो इसी प्रकार ईश्वर के वचन को सुनने, उसका पालन करने से ही ईश वचन के फल हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उत्पन्न हो सकता है। पांचवा, सशक्त प्रार्थना करना है, निरंतर वचन को सुनने, समझने, उसका पालन करने के लिए ईश्वरीय शक्ति बहुत ही आवश्यक है। ईसा ने कहा कि पिता से शक्ति
प्राप्त किए बिना कोई भी वचन सुनने, समझने और उसका पालन करने का समर्थ नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना और संस्कारों के जरिए हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करना है, तब जाकर हम वचन पर आधारित जीवन बिता सकते हैं। तो जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आ सकती है। संत मत्ती के सुसमाचार में ईसा कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उस पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। तो जैसे मैंने कहा, जीवन में अनेक चुनौतियां आएगी, लेकिन ईश्वर के वचन को सुनने समझते हुए उसके अनुसार अपना जीवन को अगर हम ट्रेन करें, मोल्ड करें, तो जरूर हमारे जीवन के सभी परेशानियों को सामना करने में हम आसान हो जा सकता है। हमें उस पर उसे सफलता पाने के लिए हम कामयाब पा सकते हैं। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिस्थितियों में, मुसीबतों में, संकटों में, परेशानियों में, डाउट्स में, आगे हम क्या करना है, यह सब सोच विचार करते समय ईश वचन हमें बराबर राह दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। हम पढ़ाई में आगे कुछ काम के लिए जाएंगे, बिजी लाइफ है ना, दिन भर हम बिजी लाइफ रहते हैं, थके हुए रहते हैं, इस रात को सो जाते हैं, या इस इंटरनेट मोबाइल इसके जरिए भी हम हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें शांत होकर कुछ देर, हर एक दिन के कुछ समय पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हाथ में लेकर उस वचन को पढ़े, उसको सुने, ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं इसको सुनकर, समझकर उस वचन के आधार पर जीवन बिता सकेंगे, तो हमारे जीवन के हर एक कार्य में हम सफलता पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने अध्याय 7 में वचन पर आधारित क्रिस्तीय जीवन के बारे में मनन चिंतन किए। वचन को हमें स्थान, पवित्र स्थान देना चाहिए। वचन हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ाएगा। वचन के आधार पर जीवन बिताने से हम ईश्वर के शिष्यत्व को जान सकेंगे। और वचन के आधारित जीवन बिताना है तो हमें वचन को जानना है, वचन को सुनना है, वचन के अर्थ को समझना है, वचन के अनुसार हमारे जीवन का पालन करना है और निरंतर हमें प्रार्थना करना है। तो हम आज प्रार्थना करें। हम गए 2 अध्याय से बाइबल की ओर हमारे नज़र लगा रहे पवित्र ग्रंथ जो स्वयं ईसा ही है। इस पवित्र ग्रंथ को भक्तिभाव से हमारे हाथ में लें, अच्छे तरह से हम पवित्र बाइबल को हमारे घर में रखें, उसे धूल आया है तो धूल सब पोछ लें, उसके अंदर पैसे, बाइबल और दूसरे पेपर्स ऐसे कुछ ना रखें। बाइबल को हम बहुत ही पवित्र रूप से घर में सजा कर रखें, हर रोज़ उस पवित्र बाइबल को कुछ देर हमारे हाथ में लें, उसे चुंबन करें और कुछ देर पवित्र वचन को पढ़ें, मनन चिंतन करें और उसी के आधार पर जीवन बिताने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।